वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर से जो है कोशिका के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कोशिका जो है का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका का अध्ययन हम आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयास करेंगे। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ये पहला पॉइंट हुआ, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है कि कोशिका का संरचना, कोशिका का संरचना दूसरा नंबर है। कोशिका का संरचना, कोशिका का संरचना इसको हम क्या कहते हैं? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, ध्यान से समझिए। तो कोशिका का संरचना जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब हम लोग सेल स्ट्रक्चर जानेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि कोशिका का जो खोज किया था वह कोशिका के खोजकर्ता, यहाँ लिखेंगे हम कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कब किया था इसने? तो इन्होंने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले ये जान लीजिए कोशिका कहते क्या है। कोशिका जो है एक यूनिट है, इकाई यानी बेसिक यूनिट है, आधारभूत इकाई है। शरीर जो है कैसे कैसे बनता है इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं कोशिका के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और कोशिका के खोजकर्ता थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में जो है इन्होंने कोशिका का खोज किया था। और इन्होंने जो है जीवित कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जिसने दिया था उसका नाम था स्लाइडन। स्लाइडन एवं स्वान ने, यानी कोशिका के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। और इन्होंने कब इसका खोज किया था? इन्होंने इसका खोज किया था 1838 से 1839 में। इन्होंने कोशिका के संदर्भ में तीन बातें बताई। नंबर एक कि हमारा शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ये इन्होंने पहली बात बताई। दूसरा इन्होंने बताया कि जीवों की जो उत्पत्ति होती है वह कोशिका के द्वारा ही होता है। और तीसरा बात इन्होंने बताया था कि कोशिका कोशिका जो है ग्रुप में मिलकर काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोशिका के द्वारा सब कुछ संपादित होता है, बल्कि यह ग्रुप में मिलकर काम करता है। तो इन्होंने जो है तीन बातें बताई। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है,
सबसे छोटी कोशिका अगर हम बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका को हम माइकोप्लाज्म कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होती है। और नंबर दो, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह होता है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जो है ये ब्रेन में होता है और इसी के द्वारा जो है शरीर का सारा कार्य निर्भर करता है। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारा सबसे बड़ी कोशिका वो शुतुरमुर्ग कांडा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए कि शुतुरमुर्ग 8 फीट लंबा होता है और यह एक अपने पंजों से जो है सिर को ही मारकर भगा सकता है। और इसका जो अंडा होता है वह 12 व्यक्ति जो है इसके अंडे से ऑमलेट खा सकता है। तो इसलिए सबसे बड़ी कोशिका यदि आपसे पूछा जाए तो वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का संरचना के अंतर्गत कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और उन्होंने सिद्धांत के माध्यम से क्या बताया था, और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। अब हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है जंतु कोशिका और दूसरा होता है हमारा पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका का जो संरचना होता है वह कुछ इस तरह का होता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है इस चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट जो होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये इस तरह का होता है, ये बहुत ही लचीला होता है जो कि जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और केंद्रक के अंतर्गत एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और इसमें इस तरह की इसका संरचना इस तरह का होता है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोशिका की संरचना है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब सबसे पहला बात यह है, ये जो है जंतु कोशिका है।
अब यहाँ पर आपको एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि ये जो हमारा हुआ, ये सब जो पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट अंदर वाला जो है, इसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कहेंगे इसको हम। इसके खोजकर्ता जो थे वह कौन थे? पुंजार्डिन थे। इसके खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीव द्रव्य के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? पुंजार्डिन। तो यहाँ पर लिखेंगे जीव द्रव्य के खोजकर्ता, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा पुंजार्डिन। तो ये चीज आप जान लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। इसमें जो है 80% जो है इसमें वाटर होता है, 80% वाटर पाया जाता है इसमें, और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की मात्रा। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देख लीजिए इसी में जो है। जीव द्रव्य जो होता है वह एक जेली टाइप का संरचना होता है, इसमें कई प्रकार की चीज़ होते हैं जिसके आज डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल आप बेसिक चीज़ को समझिए। तो अब सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोशिका के प्रकार हम लोग जानेंगे। तो ये तो मेरा जंतु कोशिका है, अब हम लोग पादप कोशिका के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पादप कोशिका जो होता है वह हमारा हेक्सागोनल टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम इस फिगर को बना रहे हैं, आप देख सकते हैं पादप कोशिका का आकार हेक्सागोनल टाइप का होता है, यानी इस तरह का। इस तरह का हमारा पादप कोशिका का होता है आकार। इस तरह का पादप कोशिका का आकार होता है हेक्सागोनल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सागोनल हुआ, और इसमें भी कुछ इस तरह का जीव द्रव्य पाया जाता है। और इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह का एक कच्चा चित्र में हम इस चीज को दिखा रहे हैं आपको। और इसमें जो है ये हमारा ये पार्ट क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है, केंद्रक द्रव्य। और इसका आकृति कुछ इस तरह का होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। इस तरह का सेल वॉल रहता है जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। इस तरह का ये मेरा सेल वॉल हुआ, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह यहाँ लिख देते हैं सेल वॉल, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो है कठोर होता है, इसका संरचना कैसा होता है? कठोर होता है, कठोर संरचना। ये मेरा हो गया पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका हो गया ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है, सिर्फ हम एक हम जाने के दृष्टिकोण से इस डायग्राम को बनाए हैं।
और आप लोग सिर्फ देखते जाइए। तो इस तरह से अब हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे, कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कोशिका के प्रकार के बारे में समझिए, कोशिका दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरा हो गया हमारा यूकैरियोटिक कोशिका। ये मैंने लिख लिया। अब आप जानिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वह है जिसमें कि केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और यह जो है अविकसित कोशिका होता है, यह अविकसित कोशिका होता है। ये आप जान लीजिए, यह अविकसित कोशिका होता है। अब आप एक चीज और भी जानना है आपको कि जो है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर बताया, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, इसमें जो है केंद्रक द्रव्य ये हुआ, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य रहता है। और ये जो वॉल देख रहे हैं इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो यहाँ आप लिख लीजिए इसको कोशिका झिल्ली, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा जो हुआ ये इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि यह जो है शरीर में हर जगह ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं। और श्वसन केंद्र भी यही होता है हमारा। अब एक चीज इम्पोर्टेंट जो है वो जानना बहुत ही आपको जरूरी है। अब क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज, तो आप जान लीजिए कि केंद्रक द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये केंद्रक द्रव्य, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रक द्रव्य, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह जो है केंद्रक के अंदर का भाग होता है। और जैसा कि आप यहाँ पर जंतु कोशिका का जो है संरचना देख रहे हैं, तो इसमें ही जो है लाइसोसोम पाया जाता है। यहाँ जैसा कि हम लिख रहे हैं कि लाइसोसोम नंबर एक, उसके बाद राइबोसोम। ये तमाम तरह की बातें जो है इसमें पाया जाता है। और लाइसोसोम के खोजकर्ता जो थे, यानी इसके जो खोजकर्ता थे वह कौन थे, डवे भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और राइबोसोम जो है वह लाइसोसोम में तैरता रहता है, यानी इसमें जो है यह तैरता रहता है राइबोसोम। और लाइसोसोम को सुसाइडल वेग भी कहा जाता है, यानी आत्महत्या की थैली, यानी कि यदि कोई कोशिका में क्षतिपूर्ति का कार्य जो है यही करता है, और जब नहीं होता है तो खुद अपने आप को
सुसाइड कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बेग भी कहा जाता है। उसके बाद है इसमें जो है कुल मिलाकर 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य ये हुआ, उसके बाद ये सब जो पार्ट देख रहे हैं इसी में पाया जाता है, एक जेली लाइक संरचना होता है यह। अब हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है गोल्जी काय, गोल्जी काय, और इसके कार्य क्या है ये भी जानेंगे। इसके खोजकर्ता कौन है पहले जानते हैं। तो गोल्जी काय के खोजकर्ता जो थे, गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी थे, कैमिलो गोल्जी, यानी गोल्जी काय के खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी थे। और इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है परिवहन करना। इसका कार्य क्या होता है, परिवहन करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है, यानी कि शरीर में जो है ऊर्जा वगैरह सब जो भी चीज़ है वह पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका कार्य है परिवहन का कार्य करना। तो गोल्जी काय का खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। अब हम लोग कुछ और बातों को जानेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लवक क्या होता है। तो लवक को हम क्या कहते हैं, तो लवक को हम कहते हैं प्लास्टिड। क्या कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है, प्लास्टिड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। तो लवक को क्या कहते हैं, प्लास्टिड। और ये पाया किस में जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, यह लवक जो है कलर को डिसाइड करता है। जो भी चीज़ आप खाते हैं, टमाटर हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, उसमें जो कलर का कार्य है वह लवक का ही कार्य है। ये कलर डिसाइड करता है, यानी कि कौन सा कलर किसका है। जैसे आम खाते हैं उसका रंग पीला होता है, और टमाटर खाते हैं उसका रंग लाल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यह लवक के कारण होता है, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, और यह पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे उदाहरण, अब लवक जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया वर्णी लवक, दूसरा हो गया अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और तीसरा आपका हो गया हरित लवक, हरित लवक। अब इसको पहले समझ लीजिए, आखिर वर्णी लवक और अवर्णी लवक और हरित लवक क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि वर्णी लवक को क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वर्णी लवक को कहा जाता है, वर्णी लवक को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्णी लवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अवर्णी लवक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसको वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है अवर्णी लवक को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा हो गया हमारा हरित लवक, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ जानने के पहले जो है आप ये जानिए कि आखिर इसका कार्य क्या है। तो क्लोरो, जैसा कि क्रोमोप्लास्ट है यानी कि वर्णी लवक, तो इसका जो है ये फल फूल का रंग प्रदान करता है, यानी फल और फूल में जो रंग होता है, तो फल या फूल में जो है रंग प्रदान करता है, प्रदान करना, फल फूल में रंग प्रदान करना, ये है क्रोमोप्लास्ट का कार्य। जबकि अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक, तो अवर्णी लवक के क्या कार्य हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवर्णी लवक यहाँ हम लिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, आप ध्यान से देखते जाइए। अवर्णी लवक,
अवर्णी लवक जो होता है इसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। और इसका जो कार्य है यानी कि ये जो है जड़ तथा तना के अंदर का भाग होता है, जिस कारण से कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे कि जड़ और तना का रंग जो है वह सफ़ेद होता है, तो वह कार्य किसका है, अवर्णी लवक का कार्य होता है जो पादप में पाया जाता है। तो यह यहाँ पर हम लिख देते हैं जड़ तथा तना के अंदर का भाग, के अंदर का भाग, जड़ तथा तना के अंदर का भाग जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और हरित लवक, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हरित लवक, तो आप हरित लवक को समझ लीजिए। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं हरित लवक, हरित लवक, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और इसका कार्य क्या है, ये जो है पादप के पत्तियों का यानी पादप के पत्तियों का रंग जो है वह हरा होता है, यही कारण है कि हरित लवक के कारण ही उस पादप यानी पौधे की जो पत्तियां हैं उनका रंग क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ लिख देंगे पौधों के पत्तियों का रंग हरा, इसी के कारण से होता है। यानी कोई भी पौधा है तो उसके पत्ते का रंग जो हरा होता है वह हरित लवक के कारण ही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको जो है रसोई घर भी कहा जाता है, रसोई घर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रसोई यानी किचन भी कहा जाता है पौधों का, यहीं से जो है पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया इसके बारे में कि कुछ कोशिका के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया तो कृपया करके हमें आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए मैसेज कर सकते हैं, या यदि कोई डाउट है तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ, तो इस नंबर के जरिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या जानने की आवश्यकता है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से भी आप मुझे कोई भी मैसेज दे सकते हैं इसके जरिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।